वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स देखे एंड उसके हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने साइन मैग्नीट्यूड मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर मीन्स साइन एंड अनसाइन नंबर बाइनरी में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसका हमने स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो में हम वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन बाइनरी नंबर किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसका हम स्टडी करेंगे एंड उस पर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट विल सी द वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन नंबर, तो हमें बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है तो किस तरह से निकालेंगे वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया है, फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 25 दिया है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। सो 25 का फर्स्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा बाइनरी नंबर, ठीक है। तो एज़ यूजुअल जैसे हमने यूनिट वन में देखा है, ठीक है, कि डबल डबल मेथड से हम कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वही मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ठीक है। 25 को कंटिन्यूसली डिवाइड किया है 2 से, बिकॉज 2 इज़ द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम एंड वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी एंड देन वी टेक द फाइनल आंसर फ्रॉम MSB टू LSB, ओके। सो MSB विल बी एट द बॉटम एंड LSB एट द टॉप। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी नंबर, बट आवर एम इज वी हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर ऑफ 25 इनटू द वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। सेम सेकंड एग्जांपल इज देयर इन विच द 125 विच इज़ अ डेसिमल नंबर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी नंबर मीन्स इट इज़ इन द वंस एंड जीरोस फॉर्म। सेम डबल डबल मेथड इज़ यूज ओवर हियर एंड द फाइनल आंसर इज अगेन टेकिंग फ्रॉम MSB टू LSB। अगेन इन थर्ड एग्जाम्पल दिस 296 इज अगेन अ डेसिमल नंबर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी नंबर विच इज़ इन वंस एंड जीरोस फॉर्म बाय यूजिंग द डबल डबल मेथड। सो वी आर कंटिन्यूस डिवाइडिंग दैट नंबर विद द 2 एंड देन द फाइनल आंसर इज रीड फ्रॉम MSB टू द LSB, दैट इज़ फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ओके। तो ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अभी हमारा एम क्या है कि ये जो बाइनरी नंबर है, ठीक है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, ठीक है, तीनों एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो अभी वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए सिंपल मेथड है, तो किसी भी बाइनरी नंबर का अगर वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो उसमें जीरो की जगह आपको 1 बिट लिखना है एंड 1 की जगह 0 बिट, दैट इज़ वाइस वर्सा। सो दैट इज़ अ सिंपल मेथड, ठीक है। जीरो की जगह आपको 1 लिखना है, 1 की जगह 0। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 25 से। सपोज ये 25 का आपका फाइनल आंसर है विच इज़ इन बाइनरी फॉर्म विच इज़ 1 1 0 0 1, दैट इज़ फ्रॉम बॉटम टू टॉप फ्रॉम MSB टू LSB। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर एंड वी हैव टू फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो इंस्टेड ऑफ 1 वी आर राइटिंग 0, इंस्टेड ऑफ 1 वी आर राइटिंग 0, थर्ड बिट इज़ ऑल्सो 0 सो वी आर राइटिंग 1, फोर डिजिट इज 0 सो वी आर राइटिंग 1 एंड लास्ट 1 डिजिट इज ऑल्सो 1 सो वी आर राइटिंग 0, ओके। सो this is our in number 25 in binary form 11001. so we have to find the its one complement, okay. so that's one's complement is find by making this 1 as a 0 or this 1 is again 0. instead of 0 we are writing 1, instead of this 0 we are writing 1, instead of 1 we are writing 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, जहाँ पे 1 है वहाँ पे हमने 0 लिखा है, ठीक है, जहाँ पे 0 है वहाँ पे हमने 1 लिखा है, मीन्स वाइस वर्सा। देन दिस इज़ द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर 25, ठीक है। तो सिंपली इसी तरह से कोई भी बाइनरी नंबर का अगर वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो आपको 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 राइट अप करना है, ठीक है।
ठीक है, तो एकदम इजी थिंग है एंड दैट वंस कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट द निगेटिव ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो ये आपका जो नंबर दिया गया है वो आपका पॉजिटिव नंबर था, ठीक है, देन इट इज़ अ -25 विच इज़ इन डेसिमल, ठीक है। सो इन दिस वे सेकंड नंबर इज अगेन इट इज़ अ 125, सो वी आर फाइंडिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट, सो इट विल बी अ 4 times 1, सो वी आर गेटिंग द 4 times 0, ओके। दिस वन इज अगेन 0, इंस्टेड ऑफ 0 वी आर टेकिंग 1, इंस्टेड ऑफ 1 वी आर टेकिंग 0। तो हमने क्या किया, वंस की जगह 0 लिखा, जीरोस की जगह 1, सो ये हो गया आपका 125 का वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है ये आपका -125 है, बिकॉज जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा साइन मैग्नीट्यूड में, इफ द MSB बिट विल बी अ 1, सो दैट नंबर इज अ निगेटिव नंबर, ठीक है। इफ MSB बिट विल बी अ 0, दैट नंबर इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव नंबर, ओके। सो दिस नंबर आर निगेटिव नंबर, दिस इज -125, दिस इज ऑल्सो -25 बिकॉज द MSB बिट विल बी अ 1, ओके, एंड इन दिस 125 द MSB बिट विल बी अ 1, सो इट इज़ अ निगेटिव नंबर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन टू द पॉजिटिव नंबर बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमने उसका क्या किया, वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, सो दैट नंबर विल बी अ पॉजिटिव बिकॉज इट्स MSB बिट विल बी अ 0 फॉर 125, इट्स MSB बिट इज अगेन 0, सो दैट इज +125, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया, अगर माइनस नंबर है, निगेटिव नंबर हमें दिया था, उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, तो वो माइनस से कन्वर्ट हो गया आपका प्लस में। सेम -125 बाइनरी नंबर दिया था, उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, सो दैट नंबर इज कन्वर्टेड इन टू द +125, ओके। नेक्स्ट इज 296, ओके, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है, सो वन की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 0, 1, 1 फॉर 2 0s, दिस 0 1, दिस इज 0 1, देन नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ 1 इट इज 0, देन देर आर 3 0s, देर आर 3 1s आर देयर, सो इन दिस वे दिस इज -296 बिकॉज द MSB विल बी अ 1, सो दैट इंडिकेट इट इज अ निगेटिव नंबर, ओके, एंड बाय यूजिंग दिस और फाइंडिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 296 दैट नंबर विल बी अ पॉजिटिव बिकॉज MSB will be a 0, so that will be a +296. So in this way, by finding the ones complement of a negative number, that number will be get converted into the positive number, okay. So this 0 represents the positive sign, so that is the +25, +125, +296 is there, okay. सो इस तरह से हम वंस को कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं कोई भी बाइनरी नंबर का, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू द वंस कॉम्प्लीमेंट और फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो ये नंबर डेसिमल में दिया, तो डेसिमल में हम वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड कर सकते, हमें चाहिए बाइनरी नंबर, ठीक है। तो डबल डबल मेथड से हमने पहले इसे सॉल्व किया बाइनरी नंबर में, देन उस बाइनरी नंबर का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट रूल, विच इज़ instead of 0 we are writing 1 or instead of 1 we are writing 0 vice versa, so we'll get the ones complement, okay. तो इसी तरह से negative number को positive number में convert कर सकते हैं हम by finding the ones complement, ठीक है। तो ये सब negative numbers थे क्योंकि MSB इसमें 1 था, ठीक है, बिट उसका हमने ones complement find किया, तो वो नंबर कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में क्योंकि रूल्स के हिसाब से ये 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 0, एंड MSB में जैसे ही ये 0 बन जाएगा, सो दैट नंबर विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम निगेटिव टू द पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर 25, 125 एंड 296। तो यहाँ पे एक नोट है, टू गेट द ओरिजिनल नंबर, अगर आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, वी टेक्स द वन कॉम्प्लीमेंट अगेन, ठीक है। दिस इज ऑब्वियस द कॉम्प्लीमेंटिंग अ नंबर ट्वाइस इन द ओरिजिनल नंबर इट्सेल्फ, ठीक है। तो अगर आप ओरिजिनल नंबर आपको फाइंड करना है, सो हमें वापस से इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, देन वी गेट द ओरिजिनल नंबर अगेन,
ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट. सो अगेन वी टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन द वंस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सो द एग्जाम्पल इज फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ -1000. ठीक है, निगेटिव नंबर दिया है. सो -1000 का हमें पहले बाइनरी नंबर फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, देन वी कन्वर्ट इट इनटू द वंस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर दिया है 1000. ठीक है, तो इसका बाइनरी नंबर फाइंड करने के लिए हम सेम मेथड यूज़ करेंगे, डबल डबल. इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे. राइट द क्वेश्चन, देन राइट द रिमाइंडर. ओके, एम एस बी एट द बॉटम, एल एस बी एट द टॉप, राइटिंग द नंबर फ्रॉम एम एस बी टू एल एस बी. ठीक है, सो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, 1000 विच इज़ द डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 1111101000. ठीक है, सो दैट इज़ द फाइनल नंबर. ठीक है, तो ये अभी आपका कितने बिट का नंबर है, दिस इज 3 3 6 3 9. सो इट इज़ अ 9 बिट नंबर. ठीक है, क्योंकि इसमें 9 बिट्स है वंस एंड जीरोस के. ठीक है, अभी हमें इसे कन्वर्ट करना है 12 बिट में. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो जीरोज ऐड कर दिए LHS में. ठीक है, एंड 10 एट द RHS. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सर्कल किया है ग्रीन कलर से, तो ये जीरोज हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए. ठीक है, सो दैट इज 9 प्लस दिस 3 जीरोज विल बी 12 बिट. ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे 12 बिट में कन्वर्ट किया है. अभी हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. ठीक है, आवर एम इज़ टू फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि एग्जाम्पल में हमें पूछा है कि वंस कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है. यहाँ तक हमने सिर्फ बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इज दिस प्लस 1000. ठीक है, वी आर फाइंडिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस 1000. ओके, बिकॉज एम एस बी बिट विल बी अ जीरो इन 12 बिट फॉर्म, सो इट इज़ अ प्लस 1000. सो वी आर राइटिंग दिस 12 बिट नंबर विच इज़ द प्लस 1000, देन फाइंड इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट बाय मेकिंग जीरोज़ टू वन एंड वंस टू जीरोज. सो जैसे हमने जीरो को वन, जीरो वन वन जीरो, वन की जगह जीरो, वन इज़ जीरो, वन इज़ जीरो, वन इज़ जीरो, इंस्टेड ऑफ जीरो इट विल बी अ वन, वन इज़ जीरो, ट्रिपल जीरो मीन्स ट्रिपल वन इज़ देयर. ओके, सो इस तरह से हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया. तो ये नंबर था आपका पॉजिटिव, बिकॉज द एम एस बी विल बी अ जीरो, मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर. ओके, बट बाय कन्वर्टिंग इट इन टू द इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट, दैट नंबर विल बी अ निगेटिव, बिकॉज इट एम एस सी बीट विल बी अ वन, विच इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ निगेटिव नंबर. तो इस तरह से हमने पॉजिटिव नंबर को निगेटिव नंबर में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट. मीन्स इस नंबर का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो नंबर पॉजिटिव से निगेटिव हो गए. ठीक है, तो इस तरह से ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड है. ठीक है, तो इस पे प्रॉब्लम आ सकते हैं पेपर में, तो और भी प्रैक्टिस करो आप इसका. ठीक है, सेकंड जो मेथड है वो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन नंबर. ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है गिवन बाइनरी नंबर का, ठीक है, तो वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, वो टू स्टेप में आंसर आएगा. फर्स्ट आपको गिवन नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सेकंड आपको उसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसके बाद. ठीक है, तो ही जो गिवन बाइनरी नंबर है, ठीक है, तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा. क्लियर है, तो दो स्टेप में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा अगर गिवन नंबर का आपका टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो. ठीक है, फर्स्ट जो गिवन नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए, उसके बाद उसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. तो टूज कॉम्प्लीमेंट का प्रोसीजर इजी है. ठीक है, तो कोई भी नंबर का हमें अगर टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सो फर्स्ट इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर. ठीक है, प्लस वन. ठीक है, अगर टूज कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है, सो वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, LSB में आपको वन ऐड करना है सिंपली. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते तो आपको ये थिंग क्लियर होगा. ठीक है, सपोज वी हैव टू फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 6 विच इज़ अ प्लस प्लस 6. ओके, विच इज़ अ डेसिमल नंबर. ठीक है, 6 का हमें टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, जैसे हमने आपका टेबल लिया था. ठीक है, तो टेबल का आप हेल्प ले सकते हो.
सो सिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द 4-bit फॉर्म विच इज 0110. ओके, सो दैट इज द 4-bit बाइनरी फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर 6. ओके, देन फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट. जैसे हमने देखा कि टू स्टेप में आंसर मिलेगा, तो पहला स्टेप है वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना 6 का. तो आपको पता ही है किस तरह से करना है. इंस्टेड ऑफ 0 वी आर राइटिंग 1, इंस्टेड ऑफ 1 वी आर राइटिंग 0. ओके, सो दिस इज 1 0 एंड इंस्टेड ऑफ 0 वी आर राइटिंग 1. ओके, सो दैट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ 6. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप सेकंड, टू फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट वी आर एडिंग द 1 टू द वंस कॉम्प्लीमेंट. जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट मिला है आपको, ठीक है, उसके LSB में क्या करेंगे, हम 1 ऐड करेंगे एंड जो भी बाइनरी नंबर मिलेगा दैट इज अ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन नंबर. ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6 जो आपका है 1001, ये, ठीक है, एंड उसमें हम क्या करेंगे LSB में 1-bit ऐड करेंगे. ठीक है, ओनली एट द LSB साइड, नॉट एट द MSB. ठीक है, तो LSB में हमने यहाँ पे 1 ऐड किया, तो बाय यूजिंग अ सिंपल एडिशन रूल वी सॉल्व इट. सो 1+1 इज सम इज 0, कैरी इज 1. ओके, तो यहाँ पे कैरी जनरेट होगा 1. 0+1 1, 0 एज इट इज, दिस 1 एज इट इज. ओके, सो इन दिस वे वी एड द ओनली 1 एट द LSB टू फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज नथिंग बट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर 6 विच इज 1010. ओके, सो 1 एट द MSB रिप्रेजेंट इट इज अ नेगेटिव नंबर. ओके, सो दैट इज अ -6 इन डेसिमल फॉर्म. ओके, सो इन दिस वे वी फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी नंबर. इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन नंबर. ओके, आफ्टर फाइंडिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर वी आर एडिंग द 1 इन द LSB ऑफ दिस वंस कॉम्प्लीमेंट. ओके, एंड वी आर गेटिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट बाइनरी नंबर विच इज गिवन. ओके, देन वी टेक सम एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन द टूज कॉम्प्लीमेंट. सो फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर. फर्स्ट इज 37, सेकेंड इज -51, थर्ड इज -130. दिस निगेटिव नंबर्स आर गिवन. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर 37. बिकॉज इट इज अ डेसिमल नंबर, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन टू द बाइनरी बाय यूजिंग सेम द डबल डबल मेथड, डिवाइडिंग द नंबर विद द 2. कंटिन्यूसली राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द रिमाइंडर, MSB एट द बॉटम, LSB एट द टॉप, राइटिंग द फाइनल आंसर फ्रॉम MSB टू LSB. ठीक है, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो फॉर ऑल दीज 3 नंबर्स. ओके, देन वील गेट द बाइनरी नंबर्स फॉर दैट रिस्पेक्टेड नंबर्स. ओके, देन आवर एम इज टू फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट. वी ऑलरेडी नो दैट इट इज अ 2-step प्रोसेस. ओके, देन वील सी. सो फॉर फर्स्ट नंबर विच इज 37, द फाइनल आंसर इज 100101. दिस इज द फाइनल आंसर इन बाइनरी फॉर्म. सेम फॉर द नंबर 51, 110011. सो दैट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 51. एंड लास्ट वन इज द फॉर 130, इट विल बी अ 1000010. ओके, सो आफ्टर दैट दिस नंबर आर, दिस 37 विल बी अ 6-bit नंबर. ओके, एंड वी रिक्वायर द 8-bit नंबर. ओके, सो वी आर एडिंग जीरोज इन द LHS, बिकॉज जब भी हम LHS में 0 ऐड करेंगे, ठीक है, तो उससे इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जीरोज ऐड कर दिए, जैसे मैंने ब्लू लाइन से यहाँ पे मार्क किया है. ठीक है, उसके बाद 100 एंड 101. ठीक है, द सेम थिंग, ये सभी नंबर्स जो है वो अलग अलग बिट फॉर्म्स में. सेकंड नंबर भी आपका 6-bit फॉर्म में, तो इसको हम 8-bit में कन्वर्ट करेंगे. वी आर एडिंग द 2 जीरोस इन द LHS साइड, मीन्स एट द MSB साइड. ओके, सो अभी फर्स्ट जो नंबर है 37, ठीक है, तो उसका जो बाइनरी नंबर है, ठीक है, तो उसका हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे एंड उसके बाद हम
उस वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड करेंगे, सो वी गेट द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, देन वी फर्स्ट फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये नंबर दिया है 8-bit फॉर्म में। ठीक है, तो पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम, सो जीरो विल बी अ वन, इंस्टेड ऑफ जीरो वी आर राइटिंग वन, वन की जगह ज़ीरो लेंगे, ज़ीरो की जगह वन, ज़ीरो की जगह वन, वन की जगह ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो की जगह वन एंड वन की जगह ज़ीरो। सो इन दिस वे वी गेट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर 37। ठीक है, सेकंड स्टेप वी आर फाइंडिंग द टूज कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, वन ऐड करेंगे हम LSB में, ये LSB है। ठीक है, तो LSB में हम वन ऐड करेंगे एंड बाय सिंपली एडिशन रूल वी आर सॉल्व दिस प्रॉब्लम और ऐड द वन विद द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर। सो फर्स्ट जीरो प्लस वन वन, सो वन एज इट इज, जीरो एज इट इज, वन एज इट इज, ओके, दिस वन एज इट इज, दिस जीरो एज इट इज, दिस वन एज इट इज एंड दिस वन एज इट इज, ओके, सो दैट इज द फाइनल आंसर विच इज़ नथिंग बट द नंबर -37 बिकॉज इट्स MSB विल बी अ वन, सो इट इंडिकेट्स इट इज़ अ निगेटिव नंबर। ठीक है, सो इस तरह से ही आपका +37 का यहाँ पे कन्वर्ट हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट से -37 में। ठीक है, सो इसी तरह से आपको 51 का भी फाइंड करना है, ठीक है, एंड 130 का भी फाइंड करना है टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आप होमवर्क के लिए सॉल्व कीजिए 51 एंड 130। ठीक है, सो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर 51 विच इज़ अ नेगेटिव नंबर, मीन्स वन इंडिकेट्स द MSB, एट द MSB साइड इंडिकेट्स द नेगेटिव नंबर, एट फॉर 130 अगेन इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। ओके, तो ये आप होमवर्क के लिए सॉल्व कीजिए। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट से बाइनरी सब्ट्रैक्शन लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।